आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में कोई कॉन्टैक्ट आप सेव कर रहे हैं और वो कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं हो रहा है तो इसे ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए, और हो सकता है जब आप नंबर सेव कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आ रही है। तो सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए, उसके बाद यहाँ पे ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर मैनेज ऐप्स आएगा, या फिर ऐप मैनेजर आएगा, या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो आप इसे ओपन करिए। इस पर क्लिक करने के बाद, इसे ओपन करने के बाद अब आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आकर आप नीचे आइए, और नीचे आकर आएगा डायलर, यानी कि आपके मोबाइल का फ़ोन ऐप कुछ इस तरीके से आएगा। ये देख सकते हैं फ़ोन के नाम से आ रहा है, तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आएगा, उसके बाद नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए, उसके बाद ओके करिए। अब ऊपर आएगा स्टोरेज, इस पर क्लिक करिए, उसके बाद नीचे क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, उसके बाद ओके करिए। अब बैक आइए, ऐप परमिशन आएगा, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे चेक करिए अगर इनमें से कोई परमिशन है जो कि नॉट अलाउड में आ रही है इस तरीके से, तो आप उस परमिशन पे नीचे क्लिक करिए और अलाउ पे क्लिक करिए। और बैक आकर इसी तरीके से ये सारी परमिशन जो कि आपको अलाउड में शो हो रही हैं, ये सारी परमिशन आप ऑन करिए। उसके बाद बैक आइए, फिर से बैक आइए। अब ऊपर आकर आएगा कॉन्टैक्ट, तो कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं, इस पर क्लिक करिए। और उसके बाद फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए, ओके करिए। ऊपर स्टोरेज पे क्लिक करिए, उसके बाद क्लियर डेटा करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए, ओके करिए। और ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद ऐप परमिशन में ये दोनों परमिशन ऑन करिए, उसके बाद अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए। और ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब चेक करिए आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे ठीक करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।